हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कि क्रिकेट में क्या चल रहा है। भैया, कोहली स्टॉपिंग क्राउड फ्रॉम बूइंग। ओ रोहित शर्मा फनी स्टंप माइक। ओ MI वर्सेस RCB 2024 हाइलाइट्स। ओ वही फिर से, मतलब मुंबई इंडियंस जब जहां भी खेल रही है बूइंग हो रही है, रुकी नहीं रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो। शनि भी 7.5 साल तक सर पर रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पर हो। मेरे मुझे पागल कर दिया है। MI वर्सेस RCB का मैच RCB हार गया, मतलब क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो हमने देख लिया, हार गया। इसकी प्रैक्टिस कराई है MI के बैट्समैन को RCB के बॉलर्स ने। मान लो लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। शर्म नहीं आती आपको लोगों से मार खाते हुए? मार खाने में कैसी शर्म भाई। आरसीबी की जिस हिसाब से बॉलिंग है ना भाई, इनको बस बैटिंग करनी चाहिए और फिर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करके अपने अपने घर बॉलिंग मत किया करो। थोड़ा मूड खराब कर दिया। आरसीबी के लिए टॉस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से पता चलता है कि ये रन से हारेंगे या विकेट से। कोहली भाई ने एक चीज काफी अच्छी करी, पर जैसे हार्दिक भाई बैटिंग करने आए पब्लिक उनको फिर से बू करने लगी। कोहली भाई ने बोला कि यार ऐसे बू मत करो हार्दिक को, हमारे बॉलर्स के होते हुए तुम हार्दिक को बू कैसे कर सकते हो, इनको करो। जब वुमेन्स टीम जीती थी तो उन्होंने थोड़ा क्रेडिट कोहली भाई को भी दिया था कि इन्होंने आके हमको मोटिवेट किया तब हम जीत पाए। तो मैं ऐसा क्या समझा रहा हूँ लोगों को जो मुझे ही नहीं पता भाई। अब से आरसीबी वाले मैच में हम तो नहीं करेंगे अंपायरिंग, तुम किसी और से करवा लो। अंपायरिंग कम पीटी पनिशमेंट ज्यादा लगता है, पूरे टाइम यूं 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 यूं। 55 साल की उम्र में स्कूल बॉय वाली फीलिंग आती है। और तो और कभी तुक्के में 10-15 ओवर में इनको पहला विकेट मिल जाए तो बाउंड्री रोप से कोहली एक साथ 155 गालियां देते हुए आता है और फैंस फिर वही ईसा कप नाम दे एम्पायर, ईसा कप नाम दे एम्पायर। 35 बॉलों में 3 रन चाहिए अपोजिशन को, कुछ तो शर्म करो। क्या मतलब है एम्पायरों के MI का टी शर्ट पहन के बैठा है? सॉरी ये तो उतारना ही भूल गया। हाँ अंबानी जी, रोहित भाई हमारे फील्डिंग के साथ साथ जिम भी कर लिए बुमराह को डंबल मान के। बुमराह भाई जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं ना, वहीं पे मैच करवाना जहाँ पे आसपास हॉस्पिटल वगैरह हो। ये 2-4 बैट्समैन की पैर की हड्डियां गायब कर देंगे यॉर्कर चटका चटका के। वो बेचारा लॉमलो और क्रीज पर आया ही था, दी यॉर्कर LBW एक हाथ से बेचारा पैर पकड़ रहा था, एक हाथ से DRS ले रहा था। विराट भाई के अलावा इकलौते हम ही फॉर्म में है, उसकी भी पैर की हड्डी तोड़ देगा ये आदमी। भाई पिच किस लिए बनाई होती है? ताकि उस पे तुम बॉल टप्पा खिलाओ, ये आदमी सीधे पैर में मार रहा है। रन्स तो बने नहीं, पैर अलग तोड़वा लिया हमने एक बॉल खेल के इसके सामने। पृथ्वी शॉ भी हमारा हल्के हल्के फॉर्म में आ रहा था, उसको भी दी और कर फॉर्म गायब कर दिया। ए लोमलोर बताई से, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बताई से। मेरी एक टांग नकली है, मैं RCB का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन बुमराह भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो यॉर्कर डाल के मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन कराया, खाना खिलाया, पानी पिल, बस हो गया। 5 विकेट्स लेके पर्पल कैप ले ली हमारे बुम बुम भाई ने। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पर भाइयों, हम जिस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के बाद, वो वापस आ चुकी है। क्या? जी हाँ, रोहित भाई और स्टंप माइक। कल जब DK भाई दिनेश कार्तिक भाई चौके पर चौके फेल रहे थे, रोहित भाई आए उनको छेड़ने लगे। जो एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने स्टंप के पीछे से बोले वो कुछ ऐसे थे, वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए बूस्ट करना है इसको, वर्ल्ड कप चल रहा है इसके दिमाग में, वर्ल्ड कप चल रहा है इसके दिमाग में। रोहित भाई सॉरी टू से बट वर्ल्ड कप तो सबके दिमाग पे चल रहा है। रोहित भाई वैसे मजे तो कार्तिक भाई के ले रहे थे पर लुप ईशान किशन की होने लगी। उन्होंने बोला ये वर्ल्ड कप सिलेक्शन की बातें मेरे सामने मत करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये चीज सुन के ईशान किशन फॉर्म में आए या वही RCB की बॉलिंग। जानने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से और यार सब्सक्राइब करके रखो यार, मतलब मैनू कैसे भी करके 9.5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। हर वीडियो में मैं तुम्हारा वो फेवरेट भड़काऊ न्यूज डाल दूंगा, पर मेरे को 9.5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ले लो मैं तो भी खाली। रोहित भाई तो चीकू भैया के पास भी पहुंच गए थे ड्रेसिंग रूम में, शायद दूसरी टीम में ले जाने के लिए आए होंगे। हर जगह भाईचारा ऑन टॉप ही चल रहा है। तू तो बहादुर बेटा है मेरा। बहादुर बेटे ने इज्जत रख ली रोहित भाई की, पहली बॉल पे 6 मार के। हम ही क्राउड को चुप करा रहे थे और ये हमें ही पेलने लगा। किसी का तो हो जा मेरे बेटे। चीटिंग करता है तू,
चीटिंग 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 करता है तू। चीकू भैया रोहित भाई को भी छेड़ने लगे जब रोहित भाई बैटिंग कर रहे थे ऐसे उंगली करके, रोहित भाई ने भी यूं कर दिया थम्स अप। ये सारी फनी हाइलाइट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तनय 100 डालना तो फिर ये चैनल आ जाएगा 150,000 सब्सक्राइबर समथिंग हो गया। या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो हार्दिक भाई को जो बू कर रहे थे और कोहली भाई ने फिर रोका उनको, वो सारे वीडियो और भी कई सारी फनी हाइलाइट्स डाल रखी है, तो तुम जाके चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए। क्योंकि इस मैच में 3-4 कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन भी रहे, जैसे एक मधवाल ने बाउंड्री टच कर दी थी फिर भी उसको चौका नहीं दिया, पता नहीं एम्पायर ने चेक ही नहीं किया। एक एमआई के पास रिव्यू 0 बचे थे फिर भी थर्ड एम्पायर तक डिसीजन पहुंचा दिया ग्राउंड एम्पायर। कार्तिक भाई की बैटिंग के टाइम पे वो नो बॉल थी या नहीं, एंड लॉन्गलोर को जब बुमराह भाई ने यॉर्कर मारी क्या वो स्टंप्स मिस कर जाती। तो ये 2-5 चीजें थी। सचिन को क्या तकलीफ है भाई? ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। रियान पराग भाई कल हमारे खुश हो गए थे विराट भाई के अर्ली विकेट से। अरे ये विराट भाई से ऑरेंज कैप छीने तो कैसे छीने, नहाते टाइम ऑरेंज कैप पहन रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में ऑरेंज कैप पहन रहे हैं, ये उतारे तो हम पहने। और मैक्सवेल भाई अगर आपको फ्रेंचाइजी चेंज करनी है तो थोड़ा अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो, मतलब डिसेंट वे में भी इसको बोला जा सकता है, ये तरीका थोड़ा कैजुअल है। मेरा अगर यहाँ और कोई काम ना हो तो मैं निकलता हूँ। एक ही ओवर में दिनेश कार्तिक ने मारे थर्ड मैन पर 4 चौके, फैंस हुए कंफ्यूज, पीछे वर्ल्ड कप सिलेक्टर्स थे या मुरली विजय। आरसीबी की एक और हार देखने के बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा अगर ऐसी टीम का मैं कोच होता तो स्काई डाइविंग कर लेता खुशी खुशी बिना पैराशूट के। विराट कोहली हुए फैंस से नाराज, कहा इतनी बढ़िया बढ़िया गालियां सिखाई तुम्हें फिर भी केवल बू बू करते रहते हो। सिराज की बॉलिंग देखते हुए विराट कोहली ने अपनी ऑरेंज कैप सम्मानजनक सिराज के हवाले की, कहा इस ऑरेंज कैप के असली हकदार आप ही हैं, तोहफा कबूल करो। आईपीएल की की टीमों ने लिया एक सामूहिक निर्णय, अपनी अपनी टीमों से एक एक बॉलर करेंगे डोनेट आरसीबी की टीम को। आरसीबी की बॉलिंग हालत देख हुए इमोशनल, बूम बूम बुमराह को बम से उठाकर रोहित शर्मा ने नापा उनका वजन, प्यार से बोले नेट्स में मेरी टांगे मत तोड़ देना अपनी यॉर्कर्स मार के। टू कोहली दिल छोटा मत कर, इंटरनेशनल लेवल चैंपियन बॉलर से आउट हुआ है तू। यार बुमराह भाई ने कल क्या बॉलिंग करी है, मैं एक बार बुमराह भाई के साथ जरूर खेलना चाहता हूँ प्लेस्टेशन। हाँ मतलब मैं क्रिकेट खेल के मरना है क्या। मैक्सवेल, रोहित भाई आपकी टीम को तो वर्ल्ड कप में देख लूंगा, मैक्सवेल भाई पहले 10 रन बना लो फिर बात करते हैं आगे की। आरसीबी, मैक्सवेल भाई आप वैसा क्यों नहीं खेलते हमारी टीम से जैसा वर्ल्ड कप में खेलते हो। मैक्सवेल, टैलेंट तो खूब है पर मन नहीं था। मैक्सी भाई भी मजे ले रहे। आरसीबी फैंस आपने तो देखा पिच स्लो थी ना पापा, पिच देखो ऐसा है पिच का कि जब आरसीबी बैटिंग करती है तो बॉलिंग पिच होती है और जब आरसीबी बॉलिंग करती है तो बैटिंग पिच होती है, बराबर। नो चीटिंग, नो चीटिंग। इनफॉर्म प्लेयर्स आफ्टर जॉइनिंग आरसीबी, जब आरसीबी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना उसी समय शरीर में से क्रिकेट फॉर्म नामक आत्मा निकल जाती है। आरसीबी वाले खुश थे फिर से दुखी हो गए भाई, रजत पाटीदार को फॉर्म में देख के एमआई वाले भी खुश हो गए थे कि चलो यार किसी गरीब का तो भला कर दिया हमने। फैंस 200 रन तो डिपेंड कर लोगे ना आरसीबी बॉलर्स, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जसप्रीत बुमराह सेविंग हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करियर, भाई बुमराह कभी फोन करके बोल देता होगा ना हार्दिक भाई आज मैं क्रिकेट खेलने नहीं आ पाऊंगा, हार्दिक भाई को टेंशन हो जाता होगा, अरे बुमराह आना पड़ेगा भाई, मेरे को पता है भाई तेरे घर भाई भाई नहीं आई है, सारा काम मैं और क्रोनाल मिल के कर लेंगे, तू क्रिकेट पर फोकस कर। भगवान ऐसी बॉलिंग लाइनअप किसी दुश्मन को भी ना दे। देखो यार हर एक चीज ओरिजिनल पीस होती है, आरसीबी की बॉलिंग वही है, अब ये किसी को चाकर भी नहीं मिल पाएगी। आई डू प्रैक्टिस हियर टू स्कोर हियर, वेरी नाइस। रोहित शर्मा टीजिंग डीके विद वर्ल्ड कप खेलना है, शाबाश शाबाश। ईशान किशन लाफिंग एट रोहित शर्मा जोक, ईशान किशन कि रोहित भाई ऐसे जोक मत करो यार, मुझे भी तो वर्ल्ड कप खेलना है। दिनेश कार्तिक वाचिंग 4 विकेट्स इन 2 आवर्स फ्रॉम नॉन स्ट्राइकर एंड एंड वेटिंग फॉर द स्ट्राइक। हाँ ये कर लो पहले, नहीं ऑल आउट हो जाओ एक साइड से, मैं खड़ा हूँ इधर। मतलब भाई दिमाग देख रहे हो, जब एक साइड से हिटिंग अच्छी चल रही है सिंगल देके भाई स्ट्राइक नहीं देंगे। बुमराह को ही छक्के मारने का ट्राई कर रहे थे आरसीबी के बैट्समैन। नहीं बैटिंग का पहला रूल तो यही होता है ना कि बॉल दिखनी चाहिए आपको, बुमराह भाई की तो दिख भी नहीं रही थी। शादी में नहीं आया इसलिए आउट करवा दूंगा। कोहली भाई देख रहे हो ना क्या हो रहा है, जब आरसीबी फैंस सिराज को बोले दूसरी फ्रेंचाइजी में जाने का, सिराज यही हगेंगे हम। सिराज भाई को ऑफर आया था ना, कुछ बोल रहे थे कि 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा दे रहे थे, इन्होंने मना कर दिया कि ना 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 ना, मेरे ब्लड में आरसीबी, मेरे छाती में आरसीबी, मैं यही आगे। प्लीज समवन डोनेट देम सम बॉलर्स। भाई देखो तुम जिस भी फ्रेंचाइजी के फैन हो ना, उस फ्रेंचाइजी के ऑनर को जाके एक रिक्वेस्ट करनी है सभी लोगों को कि भैया जो भी बॉलर हो बेंच पर बैठा हुआ, घर से निकाल के हो या फिर कहीं से भी, जो हम आ जाते हैं कोई भी डालता हो, एक बॉलर आरसीबी को सब टीमों से मिला जाए, तब जाके आईपीएल में थोड़ा मजा आएगा, वरना इन 9 टीमों के साथ तो मजा नहीं आ रहा भाई। बस आज के वीडियो में इतना, बाकी सब लोग करो और इस भाई को मत भूल यार।
मैं तो देख के इतनी वो हो रही हूँ कि आरसीबी कितनी बेइज्जती हो रही है, इतना रोस्ट हो रहा है कि हद ही हो गई है। आरसीबी हर एक गेम को हार रही है, पर मुंबई इंडियंस देख लो, मेरे ख्याल से दूसरी गेम जीत गई है। मुंबई इंडियंस ने पहले गेम जीती, अब ये दूसरी गेम जो खेली है ये भी जीत ली है। वो अपना अब फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे बीच में वो लफड़े तो चलते ही रहे जा रहे हैं, पर फिर भी खेल रहे हैं। और बुमराह इज डूइंग फैंटास्टिक, बुमराह की वजह से मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस जीत रहे हैं। उसकी बॉलिंग इतनी कमाल की, और आरसीबी को तो इतना वो कर रहे हैं, जिस तरह बुरा फील हो रहा था कि सब ना एक एक अपना बॉलर डोनेट कर दो, इतना बुरा लगा कि क्या आरसीबी का भी बुरा हाल हो रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरह, तो दुख हो रहा है। चलो दिल्ली कैपिटल्स का तो समझ में आता है, आरसीबी का नहीं समझ में आता, जो इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, सब करते हैं। वो दिखा भी तो रहे थे एक मीम में कि जब घुसना होता है तब उनका फॉर्म देखो, और जब एक बारी पैसे मिलके उनका हो जाता है टीम में सिलेक्शन फिर उनको देखो, और फिर से वही कि भैया यहाँ पे जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप में तो इतना अच्छा खेलते हैं, और देखो आईपीएल में कुछ दिखाई नहीं रहे। भैया मूड ही नहीं है उनका खेलने का, पैसे कमा लिए मूड ही नहीं हो रहा उनका, वो मजे करने आए हैं। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।